नमस्कार। और अभी मैंने उसको हटा ही दिया है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बात बन नहीं रही है। तो हम लोग अब इस पर ही काम कर लेंगे, मोबाइल पर। बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, 2 के आसपास ही पेजेज हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी तो कोई भी नहीं है। बढ़िया, तो फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, है ना। आवाज़ आ रही है राकेश भाई? हेलो, हेलो, शुरू करें। तो मुझे लगता है मैं इसको कर लेता हूँ, है ना। बाद में भी लोग, आप लोग सुनना चाहेंगे तो सुन लेंगे इसको। तो स्वयं की जागृतिशीलता में ये हो गया था, विकास एवं जागृति संपूर्ण प्रकृति का अभीष्ट है। इसकी अपन बात कर रहे थे। इसका प्रत्यक्ष रूप प्रकृति की विधा एवं उसकी तात्विक स्थिति बत्ता है, जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता है। इसी श्रृंखला में मानव तथा मानवीयता वस्तुगत वस्तु स्थिति सत्य के रूप में प्रत्यक्ष है। मानव की परिभाषा एवं मानवीयता की व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुका है कि मानवीयता में ही सामाजिकता की संभावना है। साथ ही मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर अति मानवीयता अधिकार संभव है। तो अपन ये बात कर रहे थे, बहुत ही सघन प्रक्रिया है ना। और मानवीयता से परिपूर्ण होने के बाद ही अति मानवीयता का अधिकार आता है। अखंडता ही मानवीयता पूर्ण लक्ष्य एवं कार्यक्रम को निर्विरोध बहन करने हेतु योग सामर्थ्य संपन्न जनमानसी जागृत और अखंड समाज परंपरा है। जीवन लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद है, जिसके लिए मानव बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, अभय व सहस्तित्व में प्रमाणित होना चाहता है, इसीलिए कार्यक्रम है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आध्यात्म आदि से अंत तक के कार्यक्रम की उपलब्धि केवल भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। इसका अनुभव ही सुख व समाधान है। ऐसी अनुभव क्षमता की निरंतरता में मानव सुख शांति संतोष आनंद एवं परमानंद को अनुभव करता है। इसकी अगला, मानव जाति के समस्त कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभव एवं प्रमाण ही है। बौद्धिक समाधान के बिना अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि समाधान की निरंतरता ही अनुभव है। भौतिक समृद्धि के बिना बौद्धिक समाधान सिद्ध नहीं है, और बौद्धिक समाधान के बिना भौतिक समृद्धि प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि अज्ञात को ज्ञात करने के लिए एवं अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास हुआ है। विवेक व विज्ञान का संतुलन अधिकार सहज प्रमाण ही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। तो कह रहे हैं कि देखिए, भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान क्या है?
कि विवेक व विज्ञान का संतुलन अधिकार सहज प्रमाण ही, तो विज्ञान पर भी अधिकार हो, विवेक पर भी अधिकार हो और उनमें एक संतुलन हो, है ना। उस संतुलन को पा लेते हैं तब हम भौतिक समृद्धि, तो हम अपनी बेसिकली क्यों संतुलन चाहिए, जिससे मैं ही अपनी शक्तियों का नियोजन भौतिक उत्पत्ति के लिए भी कर सकूं और इतना ना करूं कि हमें जो सामाजिकता के लिए समय है वो नहीं मिल रहा है, या इतना सामाजिकता में नहीं उलझ जाऊं कि हम भौतिक समृद्धि को ही प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। तो और विज्ञान का संतुलित अधिकार सहज प्रमाण ही भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। कर्म अभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि तथा व्यवहार अभ्यास के बिना समाधान नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से ये तो हम सबको स्पष्ट ही है कि कर्म अभ्यास के बिना उत्पादन नहीं होता है, लेकिन शायद हम ये बात को भूल जाते हैं कि व्यवहार अभ्यास के बिना समाधान नहीं है, क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि बिना व्यवहार किए विचार पूर्वक ही हम समाधान कर लेंगे, है ना। तो सिर्फ विचार में समाधान नहीं है। सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार, है ना, और 19-20 लोग फिर से आ गए, ये बढ़िया, बहुत ही आप लोगों का कमिटमेंट देख के मेरा काफ़ी उत्साह वर्धन हो रहा है ना। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अभी देखना पड़ेगा, या तो कोई बग है, कुछ तो गड़बड़ है सॉफ्टवेयर में, है ना। तो बढ़िया, तो इसमें कह रहे हैं कर्म अभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि तथा व्यवहार अभ्यास के बिना समाधान नहीं है। तो समाधान के लिए व्यवहार अभ्यास की आवश्यकता है, इसको बहुत बार बार इस पर ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है। कर्म अभ्यास अन्वेषण शिक्षण प्रशिक्षण है, है ना। कर्म अभ्यास के लिए भी अन्वेषण करना पड़ता है ना, शिक्षण प्रशिक्षण है, जिसकी चरितार्थता उत्पादन है, फलता समृद्धि है। उसका फल क्या है, हम उत्पादन कर पाते हैं। व्यवहार अभ्यास में अनुसंधान अनुसरण आचरण संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था है, जिसकी चरितार्थता, व्यवहार अभ्यास की चरितार्थता सामाजिकता है, अखंडता है, निर्विषमता है, अभयता है, समाधान है, संतुलन है और स्वर्ग है, है ना। क्योंकि व्यवहार में जो निर्विषमता है, जो एक रूपता है, जो सामंजस्य है, वही बेसिकली स्वर्ग के रूप में है। अभी भी लोग बोलते हैं कि जो घर में सब कुछ होते हुए भी यदि घर में संतुलन नहीं रहता है तो उसी को हम नरक के रूप में पहचानते हैं, है ना, अनुभव करते हैं इसका। तो मानव का अशेष कार्यक्रम, अशेष माने सारा कुछ जिसमें कुछ और शेष ना रहे, तो मानव का अशेष कार्यक्रम वैचारिक व्यवहारिक और उत्पादन, ये तीन ही कार्यक्रम हैं, उत्पादन है, वैचारिक है और व्यवहारिक है। वैचारिक परिपूर्णता अथवा समाधान के लिए साक्षात्कार एवं चिंतन अभ्यास आवश्यक है ही। साक्षात्कार एवं चिंतन अभ्यास पूर्वक ही यथार्थता वास्तविकता सत्यता को निरीक्षण परीक्षण कर पाना सहज है। यही समाधान रूपी निष्कर्षों को स्फुरित करता रहता है, जिससे ही सर्व शुभ है, जो पांचों स्थितियों में नीति त्रय से संबद्ध है, है ना। तो ये पांचों स्थितियां, है ना, व्यक्ति से लेकर अखंड समाज राष्ट्र तक की, ये समाधान ही नीति त्रय, जो अर्थनीति धर्म नीति और राजनीति, इन सब से संबद्ध होकर के समाधान रूपी निष्कर्षों को स्फुरित करता है। अनुभव कार्यक्रम नहीं है, है ना, अपितु अनुभव के लिए ही कार्यक्रम है। तो अनुभव अपने में कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अनुभव में कार्यक्रम है, अनुभव के लिए कार्यक्रम है और अनुभव से कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम क्या है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था कार्यक्रम है, उसके लिए अनुभव एक पायदान है, सोपान है, एक सीढ़ी है। तो अनुभव उस ढंग से अनुभव कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, अपितु अनुभव में कार्यक्रम है, अनुभव से कार्यक्रम है, अनुभव के लिए कार्यक्रम है। और नीति त्रय अर्थात अर्थनीति धर्म नीति और राजनीति, ये परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अर्थ के बिना धर्म नीति और राजनीति, क्योंकि धर्म नीति है क्या, अर्थ का सदुपयोग, अब धर्म अर्थ ही नहीं होगा तो सदुपयोग कैसे होगा और सुरक्षा कैसे होगी। तो अर्थ के बिना धर्म नीति और राजनीति, सदुपयोग तथा सुरक्षा के बिना, और सदुपयोग और सुरक्षा नहीं है तो अर्थ की चरितार्थता नहीं है। इस तरह से एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, जुड़े हुए हैं, पूरक हैं।
मानव अर्थविहीन नहीं है, है ना। प्रत्येक मानव में जन्म से तन मन रूपी अर्थ द्रष्टव्य है, है ना। तो हम भूल जाते हैं कई बार, हम अर्थ का मतलब हम पैसे को ही समझते हैं, रुपए पैसे को, वस्तुओं को। तन भी एक वस्तु है, मन भी एक वास्तविकता है जो हमें मिली ही हुई है, तो अर्थ के रूप में, इसलिए तन मन धन तीनों को ही अर्थ कहा है। तो प्रत्येक मानव में जन्म से तन मन की अवस्थिति द्रष्टव्य है। तन व मन के योग फल में ही, और तन और मन के योग फल से ही धन का उत्पादन, निर्माण, उपयोग, सदुपयोग व वितरण प्रत्यक्ष है। तो कोई भी मानव अर्थविहीन नहीं है, है ना। उसको जन्म से ही तन और मन मिला ही रहता है, जो कि स्वयं में अर्थ है। उसी से फिर और वो तन और मन को लगा करके, अर्थात अपनी निपुणता, कुशलता, पांडित्य को लगा करके भौतिक ऐश्वर्य पर, शरीर के माध्यम से हम धन का उत्पादन निर्माण करते ही। अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो हर मानव अपने द्वारा उपार्जित अर्थ को सदुपयोग और सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए इसकी अनिवार्यता भी है। इसीलिए है ना हमें धर्म नीति और राजनीति की ज़रूरत भी है, क्योंकि फाइनली धर्म नीति अर्थ के सदुपयोग को बताता है, अर्थात बौद्धिक समाधान को प्रकट करता है जिससे हम अर्थ का सदुपयोग कर पाते हैं, और राजनीति वो ऐसी व्यवस्थाओं को फलीभूत करता है जिससे कि हमारे तन मन धन रूपी अर्थ को सुरक्षा मिल सके, सुरक्षित हो सके। यही नीति त्रय की अनन्यता है, समस्त मानव की एकता के लिए आधार भी है। यह आधार अपरिवर्तनीय है, है ना, एवं शाश्वत है, साथ ही परस्परता में अनन्यता को पाने का स्रोत भी है। तो यह आधार बदलता नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बनी ही रहती हैं। यही समाधान चक्र है कि अर्थनीति, धर्मनीति और राजनीति, है ना, अर्थ का उपार्जन, उसका सदुपयोग, उसकी सुरक्षा, और इनके सदुपयोग और सुरक्षा से पुनः अर्थ का उपार्जन, ये एक चक्र बना रहता है। इसीलिए इसी समाधान के लिए अनादिकाल से मानव त्रसित व प्रत्याशी है। तो उसमें इसकी प्यास भी है और ये उसका उम्मीदवार भी है, अर्थात इस प्यास को पूरा करने के सामर्थ्य के साथ भी है, है ना। इस तरह से अपना अध्याय पूरा हुआ, और आप लोग फिर से 37 लोग हैं भैया, आप लोगों का निष्ठा से मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ। और जैसा कि है ना आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही बना रहूँ, बिल्कुल शरीर में तो अपने ढंग से प्रक्रियाएं होंगी ही, और जीवन में और उत्तरोत्तर गति हो, है ना, ऐसी आपकी कामना को मैं बिल्कुल सहृदय से स्वीकारता हूँ, है ना। आप और हम सबकी जो कामनाएं सफल हो जाएं, है ना। और ये जो अभ्यास हम लोगों ने मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन को पढ़ा, है ना, उसके लिए जो अभ्यास हमारा लगना है, है ना, उस अभ्यास को हम कर पाएँ, अर्थात व्यवहार अभ्यास रूप में देखूं मैं तो फाइनली ये कह रहे हैं भाई, जितना भी हम जब जो सब समझे हैं, या अभ्यास को जो बाबा ने एक ही लाइन में लिखा था, जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो, तो अपनी ही मान्यताओं को हम देख पाएँ, उनको जांच पाएँ, और जो हमें समझ में आ रहा है, जितना हमें तर्क में स्पष्ट हो रहा है, उसको हम जीने के लिए काम कर पाएँ, है ना। तो बहुत बढ़िया भैया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है मेरे फिर क्वेश्चन गायब हो गए, क्योंकि अब मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ और व्हाट्सअप इसी पर है, है ना। प्रियंका दीदी ने भेजे भी होंगे, और बढ़िया, तो मुझे लगता काफ़ी सुखद संयोग है, है ना। आदि कोई अभी इस पे लिखेगा तो मैं पढ़ के कुछ इस पे अपना विचार रख पाऊँगा, बट मैं फाइनली बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब का एक ही काम रह गया है। बहुत सारी सूचनाएँ हम सब तक आ गई हैं, और मैं ये मान रहा हूँ कि जितने लोग बने हुए, हमें तर्क में ठीक ही लग रहा है ये सब बातें, अब इसको व्यवहार अभ्यास कर पाएँ। व्यवहार अभ्यास को मैं ऐसे ही देखता हूँ कि अपने ही परिवार के साथ पहले इसको शुरू किया जाए। इसका मतलब है कि अपने ही बच्चों के साथ, पत्नी के साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाए, है ना, कि हमें कितना भौतिक संसार की ज़रूरत है, भौतिकता की ज़रूरत है, क्योंकि यदि उसी में उसको हम स्थिर कर पाएंगे तो ही हम अपने लिए, है ना, अपन उसको जी पाएंगे, और जीने से जो तृप्ति होगी वही सुख है फाइनली, है ना, क्योंकि उसकी निरंतरता जीने से ही आ रही है। पारस भाई लिख रहे हैं सामाजिकता के एक दो उदाहरण दें, तो भैया सामाजिकता मुझे ऐसी, पारस भैया ऐसा दिखता है
कि सामाजिकता का एक काम है परस्पर, बाबा ये कह रहे हैं कि परस्पर जो उत्पादन में न्याय है और विनिमय में न्याय है, जो दृश्य स्वरूप है सामाजिकता का, उत्पादन विनिमय और न्याय है ना, जो मानव में निहित मूल्यों के साथ जीना, ये तीन दृश्य स्वरूप हैं। और इसके जो बैकग्राउंड में जो काम करता है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो बैकग्राउंड में माने इनका जो आधार है, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है। और इसका जो दृश्य स्वरूप है वो उत्पादन विनिमय और परस्परता में अभयता विश्वास है। तो इसको यदि मैं उदाहरण के रूप में देखूं, तो यदि हम मानव जाति के रूप में सभी मानव के लिए शिक्षा सुलभ करा पाए, है ना, तो एक बड़ा, मुझे लगता है ये हमें एक प्रमाण के रूप में दिखाई देगा कि शिक्षा की सुलभता। दूसरा, हर मानव बच्चा एक उम्र के बाद बड़ा होता है और बड़े होने के साथ साथ अभिभावक होने के नाते हम माता पिता की उससे अपेक्षाएं रहती हैं कि वो उत्पादन कर सके, अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं का और अपने माता पिता की सेवा कर सके, उसके लिए जो उसको वस्तु लगेगी ही। जैसे मैं देखूं तो मेरा बेटा है ना 20-21 साल का हो गया है, तो अब ये स्वाभाविक हर माता पिता की ये रहती है माने कामना कि वो स्वावलंबी हो और व्यवहार में सामाजिक भी हो, क्योंकि ये सद्गुण भी हैं। तो अब ऐसा होने के लिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहते, या तो उनको काम नहीं मिलते हैं या जो काम मिलते हैं उनका ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं होता है ना, तो वो पूरा श्रम भी करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन जो उनका मूल्यांकन होता है अर्थात तो उसके बदले में जो उनको प्रतिफल मिलता है वो न्यायोचित नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है एक सामाजिकता का एक उदाहरण ये भी होगा जहाँ पर समाज में हर 20-21 साल के बच्चे को है ना ये अवसर उपलब्ध हो कि वो उत्पादन करना चाहे उत्पादन कर सके, उसके लिए प्रेरणा भी हो और जो करना चाहता है उसके अनुरूप उसको प्रतिफल मिल सके, तो उसको हम कहेंगे विनिमय में न्याय। ये नहीं होने से बहुत सारी विसंगतियाँ कम से कम मैं समाज में देखता हूँ, है ना, आप सब भी देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, है ना। दूसरा जो मुद्दा है जो बिल्कुल बाबू सिंह जी लिख रहे हैं, उत्पादन वाला मुद्दा बहुत सारे लोगों को उतना प्रभावी नहीं है, ये बिल्कुल सहमत है जो बिल्कुल ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। दूसरा व्यवहार वाला जो मुद्दा है, तो पारस भाई दूसरा ये मुद्दा होगा कि हम व्यवहार में अपने ही भाई, मैं तो ये देखता हूँ और अपने परिवार में भी देखता हूँ, अपने माता पिता के भाई बहनों में भी जो जिस तरह की हमें हारमोनी दिखाई देनी चाहिए वैसी दिखाई तो नहीं देती है, जबकि साधनों की कोई कमी नहीं है। तो जो दूसरा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि हम व्यवहार में सामाजिक कैसे हो पाएँ, तो दूसरा ये वाला मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको अपने को देखना चाहिए कि कैसे हम व्यवहार में सामाजिक हो करके जी सकते हैं, ये मुद्दा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे पारस भाई हम ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं। तो दूसरा था पूर्णिमा बहन का, मानव और मानवीयता की वस्तुगत व वस्तु स्थिति सत्य क्या है। तो मानव का वस्तु सत्य जो है ना, तो ऐसे देखेंगे तो वस्तुगत सत्य मानव का है मानवीयता, अर्थात मानव अपने आचरण के साथ व्यक्त हो सके, ये उसकी सच्चाई है। वस्तु स्थिति यह है कि बहुत सारे मानव भ्रमित हैं और इसके साथ नहीं जी पा रहे हैं, ये उस अभी की सच्चाई है ना। तो ऐसा इसको मैं देखता हूँ। भैया कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि संबंध का व्यवहार में कैसे प्रैक्टिस करें, स्पेसिफिकली वैन परिवार में सबको इससे जुड़े ना हो। ये बहुत ही बढ़िया है। तो प्रतिभा बहन कुछ लिखी है, वो मुझे स्पष्ट नहीं है, प्रतिभा बहन द्वारा लिख देंगे आप, है ना। प्रगमिता आपने कुछ लिखा है वो समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ दिनेश भाई, है ना, कि व्यवहार में क्या करना है। तो मुझे एक तो ये दिखता है कि परिवार में हम अपनों के साथ उनको सुन पाएँ। कई बार मैं देखता हूँ, अपने में भी देखता हूँ कि इतना ईगो है ना, एक तो मेल ईगो के नाम पर ईगो है, दूसरा ईगो में परिवार में सबसे अधिक पैसा कमाता हूँ इस नाम पर भी एक ईगो है, क्योंकि समाज इसको सफलता मानता है और भ्रमवश मैं भी इसको सफलता मानता हूँ, जबकि ये अधूरी सफलता, ऐसा भी नहीं है सफलता नहीं है, अधूरी है।
तो हम अपने ही परिवार के लोग जो हमारा ध्यान आकर्षण कराते हैं, हमारे में जो कमियां रहती हैं, व्यवहारगत कमियां, है ना, तो उस पे जो ध्यान आकर्षण है उसको हम ठीक ठीक ढंग से ले पाएं, कि हम उनको सम्मान नहीं देते हैं, है ना। सम्मान का मतलब कि उनको, उनके जो जो भी वो व्यक्त हो रहे हैं इसको हम ठीक से सुन पाएं। ये मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मुझे दिखाई देता है प्रैक्टिस में। बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, हम उनको छोटा मान करके नहीं सुनते हैं। तो जो भी ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है उसको, मुझे लगता है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और मिल बैठ करके मीटिंग्स करनी चाहिए, अध्ययन के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। और आप चीज़ों को ऐसा, जैसा भी आप देखते हैं उसके पीछे की रीजनिंग को हम बता पाएं एक दूसरे को, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा काम, मैं यही एक अभी कमी अपने में पाता हूँ। या कई बार हम ये मान लेते हैं कि अब तो मेरे में तर्क आ गया और मेरी पत्नी बच्चों ने सुना नहीं, तो भैया जो इसमें कह रहे हैं कि उनमें भी शुभेच्छा है, शुभ कल्पना है, शुभ कामना है, इसको भी हम देख पाएं। कई बार हमें ये भी लगता है कि हमारे प्रगति में हमारे लोग साथ नहीं दे रहे, इसलिए प्रगति नहीं हो रही, और इसको हम अलग अलग ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये भी एक गलत मैसेज देता है, क्योंकि इससे जो आश्वासन है दर्शन में, वो तो ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को उसकी जागृति के अनुसार अभिव्यक्त होने का अवसर हर समय मिला रहता है। तो एक तो इस पे हम, मुझे लगता है हम सब काम करना चाहिए। दूसरा, हमारे ही लोग कैसे अध्ययन में इनका मन बने, इसके लिए हमें और आसपास के लोगों पे काम करना होगा, क्योंकि उससे भी एक माहौल बनता है, है ना। जैसे मैं अपने ही घर में देखूं, तो अब जब नीता बहन देखती हैं, असम्यक देखता है कि यार इतने लोग इस सब पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोग, है ना, ये ले रहे हैं लेक्चर, तो उनको भी ध्यान जाता है कि यार बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो इससे भी माहौल बनता है। देखिए, मानव तो फाइनली वातावरण, मानवकृत वातावरण से प्रभावित होता ही है, अभी निगेटिवली प्रभावित हो रहा है क्योंकि भोग का ही वातावरण है। तो हमें, यदि हम ये चाहते हैं भैया कि हमारे घर में और अच्छा वातावरण बने, तो हमें अपने और उन लोगों पर काम करना होगा, मित्रों पर, समाज में, जो इसको सुनना चाहते हैं, घर में गोष्ठी करना, ऐसे लोगों को बुलाना, आना जाना, इस सबसे धीरे धीरे माहौल बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। यही एक अभ्यास का क्रम मुझे दिखाई देता है। पारगामीयता की बात करें, मानव में पारगामीयता से क्या मतलब है, तो पारगामीयता का मतलब है कि अपन ये कह रहे हैं कि देखिए व्यापक पारगामी है हर इकाई में, अब मानव में भी पारगामी है, तो मानव में ज्ञान, इसका मतलब है हम ज्ञान में भीगे हैं। पारगामीयता का मतलब ज्ञान में भीगे हैं। तो ज्ञान में भीगे होने का क्या मतलब है, ज्ञान में भीगे रहने से, है ना, ज्ञान में भीगे रहने से बहुत सारी जो हमारे में व्यंजना हो रही है ना, मैं जैसे बाबा कह रहे हैं, देखो 13 तरह का ज्ञान है, तो 4 विषयों का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, और फिर 3 ऐषणाओं का ज्ञान, और उपकार का ज्ञान। तो हर मानव में, भ्रमित मानव में भी 4 विषय और 5 संवेदना, अर्थात 9 ज्ञान से हम संपन्न ही हैं। ये ज्ञान में भीगे होने का को मैं देखता हूँ, इसको पारगामीयता के रूप में नहीं। अच्छा, दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि जी माने मेरी ही आत्मा में या मेरे ही जीवन में मैं और अच्छा होना चाहता हूँ, इसका संकेत कहाँ से आ रहा है। या जब आप दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, दूसरों का अपमान कर देते हैं, या दूसरों की पीड़ा से आप पीड़ित होते हैं, ये सब क्या है, इसका ज्ञान आपको, दूसरों की पीड़ा का ज्ञान क्यों हो जाता है, है ना, ये दूसरे आपसे दुखी हो गए, इसका आपको कैसे ज्ञान हो जाता है। तो ये जो आप में प्रतिबिंबन क्रिया है, क्योंकि व्यापक पारदर्शी है, और आप में जो बल संपन्नता है व्यापक में होने की जगह से, इसलिए हम सब में सहज रूप में संवेदनाओं का ज्ञान और विषयों का ज्ञान ये तो बना ही रहता है ना। ये जो 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 9 ज्ञान हैं, इनकी अब दिशा, और बाबा लिख ही रहे हैं कि दूसरों के कष्ट को हम में जो प्रतिबिंबित होता है, इससे मैं अब विशिष्ट ज्ञान से संपन्न होना चाहता हूँ, अर्थात ये जो ऐषणाओं से, या विशेष ज्ञान का मतलब इनसे कैसे मुक्त होंगे, इसकी भी अपने में जो ये जो सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा बनी हुई है, इसको मैं पारगामीयता के रूप में देखता हूँ। फिर से कहूँ तो अपने में मैं पारगामीयता कैसे देख रहा हूँ, कि पारगामीयता किस तरह से मेरे में व्यापक या ज्ञान की पारगामीयता है,
क्योंकि ऐसे ज्ञान से संपन्न होने के लिए मेरे में अंतः प्रेरणा है, ये कोई दबाव नहीं है। क्योंकि देखिए दो ही प्रेरणा है, एक तो है कि मेरी पत्नी बोलती रहती कि तुम यार ज्ञान संपन्न हो जा, समाज बोलता रहता कि तुम सुधर जाओ सुधर जाओ, ऐसा नहीं है। जबकि समाज हमें प्रेरणा दे रहा है ना भोग भोगवाद की, फिर भी हम सबको ही, हम सब जितने लोग जुड़े हुए हैं किन्हीं या जो नहीं भी जुड़े हैं, किन्हीं ना किन्हीं चरणों में वो जितने अच्छे हैं वो किसी को शोषण कर लेते हैं, किसी को हानि पहुंचा देते हैं, किसी को पीड़ा दे देते हैं, उससे उनको अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये हमारे में ज्ञान के ज्ञान रूपी बल संपन्नता की वजह से इसको मैं ऐसे देखता हूँ। इसीलिए हम सब ठीक होना चाहते हैं, जितने अच्छे हैं उससे बेहतर होना चाहते हैं, ऐसा मैं देखता हूँ। सम्मान का मुद्दा बात करना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। हम बिना संदर्भ के बाबू भाई जो ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, बहुत ही गजब बात है भाई, ये मैं बिल्कुल देखता हूँ। देखिए हम सब लोग जिस तरह के संभ्रांत परिवारों से हैं, या वो अब समय निकल गया जहाँ पर हम कायिक हिंसा करें, अधिकांश लोग, कुछ लोग अभी भी करते हैं कि अपनी पत्नी को पीट देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन शायद एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे मुक्त हो गया है अब। फिर भी जो वाचिक हिंसा है ना, हम टॉन्टिंग कर देते हैं, कमेंटिंग कर देते हैं, इसमें उनको अपमान लग जाता है, इसका हमें होश भी नहीं है। देखिए हमारी अजागृति, हमें इतना भी ध्यान नहीं है कि मैंने कुछ बोला है और इससे सामने वाला घायल है, या सामने वाले ने कुछ बोला है मैं घायल हूँ, ये सामने वाले को पता ही नहीं है। और वो तो ये सब हमारी, इस सब पे हमें ध्यान देना चाहिए परस्परता में। तो वाचिक हिंसा को हम जो हमें करते रहते हैं, इस पे हमें और सजग होना होगा, सतर्क होना होगा। समृद्धि है, अगला एक कुछ कमेंट है या कुछ, समृद्धि है भौतिक रूप में, ज्ञात ना ज्ञात होने से समस्या है, शायद इसको कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है भैया, दो चीज़ें हैं बाबा कह रहे हैं, अप्राप्त को प्राप्त करना और अज्ञात को ज्ञात करना। तो अप्राप्त को प्राप्त करना समृद्धि है, क्योंकि जो प्राप्त नहीं है, है ना, वस्तुएं, उनको प्राप्त कर लेना समृद्धि है, और अज्ञात को ज्ञात कर लेना, और वैसे भी कहा था जो प्राप्त वस्तु है उसका सिर्फ अनुभव होता है, और ये भी एक जगह आया है ध्यान गया हो तो, कि जो भौतिक समृद्धि है ये शरीर तक ही है, क्योंकि शरीर छूटेगा, सारी समृद्धि की आवश्यकता जब तक मैं शरीर के साथ हूँ तब तक ही है। तो भौतिक समृद्धि एक सामयिक घटना है, अर्थात कुछ समय के लिए होने वाली घटना है, जबकि बौद्धिक समाधान एक नित्य घटना है, क्योंकि जीवन नित्य इकाई है, निरंतर इकाई है ना, और व्यापक या ज्ञान से तृप्त हो जाती है। और अब ना तो ज्ञान को छूटना है अपने से, ना ही जीवन को छूटना है, क्योंकि जीवन निरंतर है, तो ज्ञान भी निरंतर और जीवन भी निरंतर, इस अर्थ में हमारे में निरंतरता हो जाती है। व्यापक को व्यापक में, ज्ञान में अनुभूत होने से, या सहअस्तित्व में अनुभूत होने से, हम हमेशा सहअस्तित्व में बने रहेंगे और जीवन भी हमेशा बना रहेगा इस अर्थ में। बढ़िया, तो दो मिनट और हैं, कोई और बात हो या आप कुछ कहना चाहते हैं ग्रुप से, तो मुझे तो बहुत ही सुखद ये रहा, और ये सब अवसर का सदुपयोग, जो राकेश भाई में जो व्यंजना हुई, राकेश भाई और प्रियंका बहन में जयपुर में रहते हुए, कि ऐसा क्यों ना समय का सदुपयोग इस ढंग से किया जाए और हम सब लोग जुड़ पा रहे हैं, ये बात जरूर है। मैंने पहले भी कहा, मैं ये चाहता हूँ कि एक अभियान बने और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़ें, और हम सब स्वयं, है ना, अपने व्यवहार के माध्यम से एक मार्गदर्शक प्रेरक हो सकें, यही हमें मैंने हमारे लिए सम्मानजनक है मानव होने के नाते। तो हम सब आगे उत्तरोत्तर और अच्छी गति करेंगे और अच्छे ढंग से अपने को अपने ही परिवारजनों के साथ सजोएंगे और विचार विमर्श करेंगे, सतर्कता पूर्वक अपनों से बात करेंगे, है ना। और मुझे लगता है इसको पहले स्वीकार लें, हमारे अपने हमारा भला चाहते हैं। ये जब तक हमारे में बना रहता है कि हमारे अपने हमें अच्छा काम करने से रोक रहे हैं, मैं तो इतना शुभ काम कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बाधक हैं, पहले इस मान्यता को अपने में से निकाल दीजिए। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता हमारे शुभचिंतक हैं, हो सकता है उनको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हों और हमें यदि उससे बेहतर दिख रही हैं, तो हम उनको उन चीज़ों का ध्यान आकर्षण करा पाएँ, उनको दिखा पाएँ। बाबा बार बार कह रहे हैं, समझदार की ही जिम्मेदारी है, विकसित होने का प्रमाण ही है, अविकसित को हम वो दृष्टि उदय करा पाएँ। तो इसको बिल्कुल निकल जाएँ कि हम सब लोग, प्रतिभा बहन कह रही, हम लोग घर में आजकल मूल्यों पर चर्चा करते हैं, बहुत ही
सुखदय प्रतिभा बहन, और प्रतिभा बहन अभी अपने दादी नानी होने को भी इंजॉय कर रही हैं पक्का, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो हम सब लोग परिवार में लोगों का इस अर्थ में सम्मान कर पाएँ कि ये शुभेच्छा के साथ हैं, शुभ को ही चाहते हैं, और हमें मार्गदर्शन जिनकी इतनी जो समझ बनी है उसके अनुसार देते ही हैं। हमें बेहतर दिखता है तो हम उनको भी बेहतर दिखा पाएँ। इस अर्थ में मुझे लगता है खूब अभ्यास करने की ज़रूरत है। जितना जितना व्यवहार में, और हम बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये मैं अपने में भी होता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं होता है, इसको कैसे बात मानसिक वाचिक कायिक, है ना। तो कायिक हिंसा नहीं है, वाचिक और मानसिक, ये जो मानसिकता है कि मैंने मान रखा है मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना, दूसरे लोग उतने श्रेष्ठ नहीं है, पता नहीं होना भी चाहते हैं कि नहीं, इससे निकल जाएं। ये मानसिक रूप में जो हिंसा है उससे मुक्त होना होगा, और स्नेह से युक्त होना होगा कि सभी फाइनली हर मानव मानवीयता से संपन्न होना चाहता है, ये उनमें निहित है। इसे इस बात से जितना जितना हम अपने में स्वीकार पाएंगे उतना उतना हम, मुझे लगता है उतना हम अपने में और सहृदय हो पाएंगे, सरल हो पाएंगे, अभिमान से मुक्त हो पाएंगे, है ना, और अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। तो बहुत बढ़िया, योगेश भाई कह रहे हैं पारगाम्यता की वजह से हम स्वयं ज्ञानपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल यह ऐसा ही लगता है मुझे, है ना। और हमारे ज्ञानपूर्ण हो जाने से हम संसार की हर क्रिया को आर पार देख सकते हैं, मतलब क्रिया को कारण सहित पहचान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और नमस्कार। और आगे का सेशन है ना महेश भाई कोल्टे लेंगे, प्रतिभा बहन महेश भाई, तो बहुत आप सब लोग बिल्कुल पूरी संख्या में जुड़ें, और उनका भी उत्साहवर्धन होगा ही, क्योंकि हर आशा के पीछे प्रत्याशा है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ, हम कोई आशा प्रत्याशा सहित ही हैं, कैसे आशाएँ और प्रत्याशाएँ सफल हो जाएँ इसको जीवन विद्या कह रहा है। आशा मुक्त नहीं होना है, आशा से युक्त रहते हुए उनको सफल करना है। तो हम सब की कामनाएं, इच्छाएं, आशा विचार इच्छाएं सफल हों, इसी कामना के साथ इसको यहीं विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।